हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्रिंट टू पैरामाउंट बुक स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। ठीक है, और जिसमें पहला जो है कंसेप्ट कंटेंट है वो है टेंस। वैसे तो आप लोगों ने टेंसेस जो है वो पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। छोटी क्लासेस से ही हमें टेंसेस पढ़ाना शुरू हो जाती है टीचर्स, लेकिन फिर भी क्योंकि इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले टेंसेस ही बताई जाती है, तो मैं आपको थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन टेंस के बारे में दे दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि टेंस होता क्या है। द कंसेप्ट ऑफ टेंस इन इंग्लिश इज ए मेथड दैट वी यूज टू रेफर टू टाइम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मींस टेंस ही है इंग्लिश में जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि ये जो घटना है ये पास्ट में हुई थी, प्रेजेंट में हो रही है या फ्यूचर में होगी। ठीक है, तो ये टेंस का मतलब होता है, टेंस ही हमें ये पता चलता है। अब टाइप्स ऑफ टेंसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ टेंसेस कितने हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसी तरह प्रेजेंट टेंस के नीचे कितने टेंस आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी फोर फॉर्म्स मैं बताती हूं आपको। इसके नीचे आ जाएंगे नंबर वन प्रेजेंट, फर्स्ट नंबर पे आ जाओ प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। नंबर सेकंड आ जाओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम चलेंगे पास्ट। इसी तरह से लाइफ वाइज जिस तरह प्रेजेंट के साथ हुए इसी तरह पास्ट में भी क्या होना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा, इसी तरह फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
टेंसेस के फॉर्म्स बताए हैं। तो चलो हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे इनके बारे में। तो चलो पहले हम चलते हैं किस पे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि जो वर्तमान यानी प्रेजेंट में होने वाली एक्शंस के बारे में बताया जाता है। जो प्रेजेंट, प्रेजेंट नाम ही इसका प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट मींस अब क्या हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में होने वाली एक्शंस के बारे में बताया जाता है। जैसे शी वॉचेस मूवीज, ठीक है, क्या आ जाएगा, शी वॉचेस मूवीज, फॉर एग्जाम्पल She watches movies, ठीक है, she watches movies। इसमें क्या होता है, she watches movies, she क्या है, थर्ड पर्सन है, she watches movies, we don't know who she is, हम नहीं जानते कि वो कौन है, या he watches movies, ठीक है, तो थर्ड पर्सन के साथ s या es का प्रयोग होता है, क्या, थर्ड पर्सन के साथ, अगर थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ एस या ई एस लगता है, ठीक है, समझ आ गए, समझ आ गई ना बेटा, थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है। शी वर्क्स इन दिल्ली, ठीक है, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है, जैसे शी है, जैसे यू, यू क्या है, प्लूरल है, तो यू के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, ठीक है, आई, आई के साथ भी नहीं लगेगा और वी के साथ भी नहीं लगेगा, ये सभी क्या है, प्लूरल है, तो इनके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। आई वॉच मूवीज, यू वॉच मूवीज, ठीक है, वी वॉच मूवीज, तो इनके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। तो जब हमने इसको इंटरोगेटिव बनाना हो, ठीक है, अब ये है, सपोज ये सेंटेंस है शी वॉचेस मूवीज, ठीक है, हमने सेंटेंस बनाया है शी वॉचेस मूवीज, लेकिन जब हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, आगे क्या लगेगा, डज, इंटरोगेटिव जब हम बनाएंगे इसका, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे इसको, तो आएगा हमारे पास डज शी वॉच मूवीज, ठीक है, तो पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, डज शी वॉच मूवीज, समझ गए आप, डज शी वॉच मूवीज। तो अगर हमने इसी का, इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो, नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, she does not, तो फिर यहां से s और es गायब हो जाएंगे, समझ गए आप, यहां से s और es गायब हो जाएंगे, तब आएगा she does not watch movies। इंटरोगेटिव जब बनाएंगे तो जो s और es हमने इसके साथ लगाए हुए हैं ये यहां से कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा she does not watch movies, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तो चलते हैं हम नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये भी है तो प्रेजेंट के बारे में ही बता रहा है, जब इसके साथ ही लगा है प्रेजेंट तो नेचुरली ये प्रेजेंट के बारे में ही बता रहा है। लेकिन यहाँ क्या फर्क है, यहाँ इसमें वर्ब क्या लगेगा, इसकी पहचान कैसे होती है, मैं खाना खा रहा हूं रही हूं, पीछे लगा होता है। जैसे इनडेफिनेट था ना, तो उसमें उसकी पहचान होती है, उसके पीछे लगा होता है, मैं खाना खाता हूं, ता हूं, ती हूं, ते हूं, वो प्रेजेंट इनडेफिनेट के पीछे लगी होती है। लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें जैसे रहा हूं, रही हूं, ठीक है, वाक्यों के पीछे क्या लगा होगा, रहा हूं, ठीक है, रहा हूं, रही हूं, ठीक है, ये लगे होंगे इसके वाक्यों के पीछे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे और इसमें क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, पहले तो वर्ब लगता है इज, आर या एम, समझ गए, इसमें इज आर या एम का प्रयोग होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और वर्ब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो क्या आ जाएगा, मैं खाना खा रहा हूं, आई, आई के साथ क्या लगेगा, इज नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, आई एम खा रहा हूं, ईट होता है खाना, तो इसकी फोर्थ फॉर्म क्या बन जाएगी, ईटिंग, आई एम ईटिंग मील, ठीक है, समझ गया, से मैं बाजार जा रहा हूं, ठीक है, आई एम गो होता है जाना, आई एम गोइंग टू बाजार, मैं बाजार जा रहा हूं। एग्जाम्पल आ गई, एक ले लेते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू बाजार, ठीक है, आई एम गोइंग टू बाजार, मैं बाजार जा रहा हूं, ये तो सिंपल आ गया। अब अगर हमने इसका इंटरोगेटिव बनाना होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो एम है यहां पर लगा हुआ, ये है एम, हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, इसमें इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव में क्या करेंगे हम, हाँ? ये जो एम लगा हुआ है ये बाहर निकालेंगे, आ जाएगा एम आई गोइंग टू बाजार, क्या मैं बाजार जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर हमने नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू बाजार, ठीक है, नेगेटिव में आई एम नॉट गोइंग टू बाजार, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू बाजार, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। मैं थोड़ी थोड़ी आपको बता रही हूँ क्योंकि आपने टेंसेस किए भी होंगे बेटा, तो ये तो स्टार्टिंग है, तो चलो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, तो आज आप आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट इसमें हमें पता चलता है, प्रेजेंट परफेक्ट से हमें पता चलता है कि वर्तमान में कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे मैंने अपना प्रोजेक्ट खत्म किया है, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, यानी अभी मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, यानी इसमें वर्ब क्या लगता है, हैज या हैव लगता है, ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, समझ गए आप। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, ठीक है, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े होंगे ये बेटा, तो इसमें आ जाओ, I have completed my project, ठीक है, ये तो आ गया सिंपल। अब इसका इंटरोगेटिव बनाना हो अगर हमने, तो आ जाएगा have, आ जाएगा बाहर, have I
हैव आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट? क्या मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है? हैव आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट? ठीक है, इसी को बना लो नेगेटिव। नेगेटिव पे आ जाओ, नेगेटिव पे आ जाओ, तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। समझ गए? आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई काम हमने शुरू किया है वर्तमान में, लेकिन वो अभी खत्म नहीं हुआ, वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, समझ आ गई? कोई काम हमने शुरू किया है प्रेजेंट में, लेकिन वो अभी तक चल रहा है, काम अभी फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या ले लेंगे, फॉर एग्जांपल ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी अभी उसने पढ़ना खत्म नहीं किया है, पढ़ना शुरू किया है लेकिन 2 घंटे से पढ़ना शुरू किया है, लेकिन अभी तक वो पढ़ रहा है। ही हैज बीन स्टडिंग, he has been studying for 2 hours। ठीक है बेटा, he has been studying for 2 hours, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब इसको अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम लिखेंगे हैज ही बीन स्टडिंग, हैज ही बीन स्टडिंग, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। और अगर इसको हमने नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? नेगेटिव में हम लिखेंगे He has not been studying. He has not been studying studying for 2 hours. ठीक है, तो ये हमारे था प्रेजेंट की 4 सेंटेंसेस जो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। इसमें has been या have been लगता है, has been या have been, okay, और verb की fourth form of verb, ठीक है, fourth form of verb, okay। तो ये मैंने आपको बताया present के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगी past के बारे में। ठीक है, आ जाओ अब पास्ट पे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट,
पास्ट डेफिनिट क्या है? पास्ट का मतलब पास्ट में, जो पास्ट में चीज हो चुकी है, ठीक है। शी रोट ए लेटर, ठीक है। शी एट हर मील, कुछ भी ले सकते हो। शी ठीक है, शी रोट ए लेटर, शी ड्रिंक द वाटर, कुछ भी। इसमें सेकेंड फॉर्म लगती है, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। और देखो जैसे एग्जाम्पल ले लो, शी रोट ए लेटर, शी रोट अ लेटर। अब देखो इसमें क्या हुआ, सेकेंड फॉर्म लगी वर्ब की, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। फिर आपको बताती हूं मैं, अब जब हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना होगा, ठीक है, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए अब यहां वहां पर जब हम इंटेरोगेटिव बनाते थे प्रेजेंट में, तो हम क्या करते थे, डू डज जैसे बाहर निकालते थे, लेकिन यहां पर ये नहीं, यहां पर हमने क्या करना है, डिड लगाना है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। जैसे डिड लगाया हमने, डिड शी, अब रोड है ना, रोड सेकंड फॉर्म है, लेकिन जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम इस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी रोड का बन जाएगा राइट। डिड शी राइट अ लेटर, डिड शी राइट ए लेटर। और अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना होगा तो आ जाओ क्या, डिड शी राइट ए लेटर लिखे ना, शी डिड नॉट, She did not write a letter. तो ठीक है, समझ आ गई, समझ तो आपको पहले ही होगी, चलो आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि हमने टेंसेस छोटी क्लासेस में किए हैं, फिर आगे हम एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाओ पास्ट कंटिन्यूअस पे, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें वाज और वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है, वाज और वर्ब, समझ गए। वर्ब क्या लगता है, वाज या वर्ब, और फॉर्म कौन सी लगती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब जैसे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट ले लो, एग्जाम्पल कोई भी ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल आ गई, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। अब हमने जब इसका इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, वाज बाहर आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा, वाज ही प्लेइंग, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, ओके, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी को जब हमने नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको, पास्ट कंटिन्यूअस भी हो गया, अब पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब आ जाओ पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, वहां पर लगा था हमारे पास, ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इस
हैड का प्रयोग होगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या लगेगा वर्ब, क्या लगेगा, हैड लगेगा, और फॉर्म कौन सी लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। ओके, समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। सेंटेंस ले लो, एग्जाम्पल ले लो, कोई भी ले लो। आई हैड ईटन द फूड, ओके। तो उसके बाद इंटरोगेटिव जब हम इसको बनाएंगे, इंटरोगेटिव तो आ जाएगा हैड आई ईटन द फूड, क्या आएगा, हैड आई ईटन द फूड। और इसी तरह जब हम इसको इंटरोगेटिव बना लिया, हम नेगेटिव बनाएंगे, आई हैड नॉट ईटन द फूड, आई हैड नॉट ईटन द फूड। तो आज हमने प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है, कर लिए। अब हम नेक्स्ट जो है वो कल करेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।